प्रिय बंधु, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। आज मैं आपके सामने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के महान बौद्ध ग्रंथ बुद्ध एंड धम्म का हिंदी अनुवाद, भगवान बुद्ध और उनका धम्म का 30वां भाग प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। अनुवादक हैं भद्दंतानंद कोसलैन। पुस्तक समय प्रकाशन द्वारा प्रकाशित है। आप मुझसे बहुत सी बौद्ध ग्रंथ के ऊपर पुस्तकें खरीद सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बुक्स। हमारी वेबसाइट है www.cfmedia.in और आप मुझे डायरेक्ट फ़ोन कर भी बुक्स मंगवा सकते हैं, पुस्तक को। पिछले भाग में, भाग 30 के 29 में हमने जाना कि भगवान बुद्ध कहते हैं कि प्रज्ञा से महत्वपूर्ण शील है। प्रज्ञा और शील के होने के लिए करुणा अनिवार्य है और करुणा से भी महत्वपूर्ण मैत्री है। आगे हम बढ़ते हैं, जो कि खंड 3 भाग 5 का ही भाग चल रहा है। धम्म तभी सद्धम हो सकता है जब वह समस्त सामाजिक भेदभावों को मिटा दे। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, यह और इससे अगला भाग दोनों बहुत महत्वपूर्ण भाग हैं, ध्यान से सुनिएगा। धम्म तभी सद्धम हो सकता है जब वह आदमी और आदमी के बीच की दीवार गिरा दे। एक आदर्श समाज क्या है? देखिए, ये मैं कहूँगा आप उसको भारतीय समाज या कहूँ विश्व के सारे समाज, उस समाज कैसा हो, मानवीय समाज कैसा हो, उसको आज आपको पता लगेगा कि एक आदर्श समाज कैसा हो। एक आदर्श समाज क्या है? सीता भगवान बुद्ध क्या कहते हैं? ब्राह्मणों के अनुसार वेदों ने आदर्श समाज की परिभाषा की है और वेद गलती की संभावना से परे हैं, अतः उनके द्वारा परिभाषित समाज ही आदर्श समाज है जिसे आदमी स्वीकार कर सकता है। देखिए, वेद और वेदों के बाद के ग्रंथ, उनमें बहुत से अंतर हैं, उनमें बहुत से द्वंद हैं। जैसे कुबेर, धन का स्वामी कुबेर, जिसे बहुत आज कहते हैं कि वे ब्राह्मणों का या हिंदुओं का देवता है, कुबेर को वेदों में बुरा माना गया है, बुराई का प्रतीक माना गया है, लेकिन पुराणों में उसे अच्छा माना गया है। तो भगवान बुद्ध क्या कहते हैं? ब्राह्मणों के अनुसार वेदों ने आदर्श समाज की परिभाषा की है और वेद गलती की संभावना से परे हैं, अतः उनके द्वारा परिभाषित समाज ही आदर्श समाज है जिसे आदमी स्वीकार कर सकता है। वेद द्वारा निर्धारित आदर्श समाज को चतुर्वर्ण के नाम से जाना जाता है। वेदों के अनुसार इस प्रकार के समाज द्वारा 3 बातों की पूर्ति की जानी चाहिए। क्या है चतुर्वर्ण? जैसे कहते हैं वर्ण सिस्टम, वर्ण, वर्णाश्रम, इसमें 4 वर्ण होने चाहिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। इन वर्गों का आपसी संबंध क्रमिक असमानता के सिद्धांत पर आश्रित होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, ये सभी वर्ग एक दूसरे के समान नहीं होने चाहिए, बल्कि प्रतिष्ठा, अधिकार और सुविधाओं की दृष्टि से उन्हें एक दूसरे के ऊपर नीचे होना चाहिए। सबसे ऊपर ब्राह्मणों को रखा गया, क्षत्रियों को ब्राह्मणों के नीचे किंतु वैश्यों के ऊपर रखा गया, वैश्यों को क्षत्रियों के नीचे किंतु शूद्रों के ऊपर रखा गया और शूद्रों को सबसे नीचे रखा गया। मैं आपको बता दूं कि भारत में शूद्र किसे बोलते हैं। ये तो वर्ण व्यवस्था वेदों द्वारा थी जिसमें 4 वर्ण थे, लेकिन जो भारत के मूल निवासी थे उनको ब्राह्मणों ने इन वर्णों में नहीं रखा। असल में जब विदेशी यहाँ पर आए, जो यूरेशिया, मतलब सेंट्रल एशिया से जब आए, उन्होंने जब यहाँ पे आकर यहाँ के लोगों को पिक किया, तो रंग के आधार पर उन्होंने कुछ प्रजातियाँ जो उनकी नस्लें हुई उनको तो अपने वर्ण सिस्टम का, वर्ण आश्रम का भाग बनाया, और जो उनमें या तो नहीं आए, बागी हो गए, उनको अछूत और उनको आदिवासी वह कहलाए, तो वह तो वर्ण आश्रम के बाहर भी नहीं। तो शूद्र हैं जो आज, जिसे हम कहते हैं ओबीसी, बैकवर्ड क्लासेस, बैकवर्ड कास्ट, ओबीसी, जैसे कायस्थ हो गया, अहीर हो गया, यादव हो गया, और लेकिन इस वर्ण आश्रम के बाहर जितनी भी शेड्यूल कास्ट हैं और शेड्यूल ट्राइब्स हैं, वे इसके बाहर आते हैं। उनको आप शूद्र मत समझिएगा, ये बहुत
वे अस्पष्ट अछूत अंतर्जे कहलाते हैं ब्राह्मणों के हिसाब से। चतुर्वर्ण की तीसरी विशेषता यह है कि प्रत्येक वर्ग अपने लिए निश्चित पेशे में लगा रहे। ब्राह्मण का पेशा है पढ़ना पढ़ाना और धार्मिक संस्कार करना, क्षत्रिय का पेशा है वस्त्र शस्त्र धारण करना और लड़ना, वैश्य का पेशा है व्यापार तथा दूसरे कारोबार करना, शूद्र का पेशा है ऊपर के तीन वर्गों की सेवा करना, उनके सभी दासोचित काम करना। कोई एक वर्ग दूसरे वर्गों के पेशे में अतिक्रमण नहीं कर सकता, वह उनके पेशे की सीमा में पैर नहीं रख सकता। इस आदर्श समाज के सिद्धांत को ब्राह्मणों ने उचित ठहराया और लोगों में इसका प्रचार किया। यह स्पष्ट है कि इस चतुर्वर्ण के सिद्धांत का प्राण ही असमानता है। यह सामाजिक असमानता किसी ऐतिहासिक विकास का परिणाम नहीं है। देखिए, बहुत से लोग कहते हैं कि भारत का जो समाज, खास करके जैसे मैं हिंदू धर्म के हिसाब से नहीं कह रहा, लेकिन हिंदू समूह के हिसाब से, कि एक समूह जिसे हिंदू बोला जाता है, वह समाज में जो जाति व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था जो स्थापित हुई है, तो बहुत से इतिहासकार, समाजशास्त्री, राजनीतिज्ञ, विद्वान लोग कहते हैं कि यह ऐतिहासिक विकास का परिणाम है। कि ऐतिहासिक विकास ऐसा हुआ कि जो लोग पढ़ने लग गए वे ब्राह्मण बन गए, जो बनिए बिजनेस में आ गए वो बनिया कहलाए, जो व्यापार में आ गए, जो लड़ने लग गए, तो ये कोई ऐतिहासिक विकास का परिणाम नहीं है। ये एक व्यवस्था स्थापित की गई, कुछ लोगों को एक व्यवस्था में रखा गया, कुछ लोगों को उस व्यवस्था में नहीं रखा गया। वह व्यवस्था है, कोई ऐतिहासिक विकास के हिसाब से नहीं बनी है। तो आगे कहते हैं कि असमानता ब्राह्मणवाद का शास्त्र संबंध सिद्धांत है। कि ब्राह्मणवाद का सिद्धांत क्या है कि असमानता, इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी को ब्राह्मणवाद। देखिए, बहुत से ब्राह्मण सुन रहे हो वे उत्तेजित ना हो जाए, ब्राह्मणवाद कोई भी कर सकता है। बेशक जो शुरुआत हुई वह विदेशी जो आर्य आए उनसे शुरुआत हुई, लेकिन यह तो असमानता, तो ये मानिए कि कौन है ब्राह्मण जो असमानता फैलाए, वह ब्राह्मण है। यह हम इसका निष्कर्ष ऐसे निकाल सकते हैं। लेकिन हम आगे पढ़ते हैं, भगवान बुद्ध ने इसका जड़ मूल से विरोध किया। भगवान बुद्ध जाति के बहुत कट्टर विरोधी थे। अगर आपको भगवान बुद्ध के जाति के जो कितने विरोधी थे और वर्ण आश्रम के और गोत्र बल के कितने विरोधी थे, अगर आपको यह और जानना है डिटेल से, और तो इसके लिए आप दीघ निकाय अवश्य पढ़े, त्रिपिटक का। भगवान बुद्ध जातिवाद के बहुत कट्टर विरोधी थे और समानता के सबसे बड़े समर्थक थे। जातिवाद और असमानता के समर्थन में दिया गया कोई भी ऐसा तर्क नहीं है जिसका उन्होंने खंडन ना किया हो। ऐसे अनेक ब्राह्मण थे जिन्होंने इस विषय में बुद्ध को चुनौती दी, लेकिन तथागत ने उन्हें हराकर एकदम मौन कर दिया। अश्वलायन सूत्र में एक कथा इस प्रकार कही गई है कि एक बार सभी ब्राह्मणों ने अपने में से एक अश्वलायन नाम के ब्राह्मण को राजी करके भगवान बुद्ध के पास भेजा कि वह जाकर जातिवाद और असमानता के विरुद्ध व्यक्त किए गए बुद्ध के विचारों का खंडन करे। अश्वलायन तब भगवान बुद्ध के पास गया और उसने ब्राह्मणों की श्रेष्ठता का पक्ष भगवान बुद्ध के सामने रखा। उसने कहा, श्रवण गौतम, ब्राह्मणों का मत है कि ब्राह्मण ही ऊंचे वर्ग के हैं, शेष उनसे नीचे हैं। ब्राह्मण ही शुक्ल वर्ण है, ब्राह्मण ही शुक्ल वर्ण है, शेष सब वर्ग कृष्ण वर्ण है, कृष्ण अर्थात काला। कि ब्राह्मण ही शुक्ल, शुक्ल अर्थात साफ सफेद, शुक्ल वर्ण है अर्थात वह ब्राह्मण ही रंग जो है उनका साफ रंग है, क्योंकि बाहर से आए हुए थे, विदेशी थे, एशिया से थे, सेंट्रल एशिया से। शेष सब वर्ग, देखिए यहीं से पता लगता है कि जब वे आए होंगे तो यहाँ पर शेष सब लोग काले थे। भारत का तो गर्म माहौल होता है, तो यहाँ के काले रंग के लोग थे। शेष सब वर्ग कृष्ण वर्ण के हैं। पवित्रता का वास केवल ब्राह्मणों में है, अब्राह्मणों में नहीं। केवल ब्राह्मण ही ब्रह्मा के औरस पुत्र हैं। अगर वे कह रहे हैं कि केवल ब्राह्मण ही ब्रह्मा के औरस पुत्र हैं, तो इस बात को समझिए कि जो लोग अपने आप को कोई हिंदू धर्म का मानते हैं ब्राह्मण नहीं है, वे नहीं कह सकते कि ब्रह्मा के औरस पुत्र हैं, क्योंकि वे कह रहे हैं कि केवल ब्राह्मण अर्थात
ब्रह्मा का भारत के बाकी लोगों से, ब्राह्मणों के अलावा किसी और से कोई लिंक नहीं है। अगर ये पुरानी बात है उसके हिसाब से तो यही निष्कर्ष निकलता है। उसके मुख से उत्पन्न, उसके रचे हुए, उसके पैदा किए हुए तथा उसके उत्तराधिकारी हैं। श्रमण गौतम का इस विषय में क्या कहना है? तथागत के उत्तर ने अश्वलायन के तर्क को ध्वस्त कर दिया। बुद्ध ने कहा, अश्वलायन, क्या ब्राह्मणों की ब्राह्मण पत्नियां ऋतुमती नहीं होती, गर्भ धारण नहीं करती और संतान का प्रसव नहीं करती? क्या होते हुए भी, यह होते हुए भी क्या ब्राह्मणों का वही मत है जो तुमने कहा है? यद्यपि ब्राह्मण भी वैसे ही स्त्रियों से उत्पन्न होते हैं जैसे अन्य लोग होते हैं। अश्वलायन कोई उत्तर ना दे पाया। तब भगवान बुद्ध ने आगे अश्वलायन से एक और प्रश्न किया, अश्वलायन, यदि एक क्षत्रिय एक ब्राह्मण कन्या से सहवास करे तो संतान कैसी होगी? क्या वह पशु, क्या यह पशु संतान होगी अथवा मानव संतान? फिर भी अश्वलायन के पास कोई उत्तर ना था। जहाँ तक नैतिक विकास की संभावना है तो क्या एक एकमात्र ब्राह्मण ही इस देश पे अपने मन में प्यार विकसित कर सकता है जो घृणा और द्वेष से मुक्त हो? अश्वलायन ने उत्तर दिया, नहीं, चारों वर्ग के लोग कर सकते हैं। अश्वलायन, क्या तुमने कभी सुना है कि यवन और कंबोज देशों में तथा अन्य पड़ोसी देशों में भी दो ही तरह के वर्ग होते हैं, एक स्वामी और दूसरा गुलाम? एक स्वामी कभी गुलाम हो सकता है और एक गुलाम भी कभी स्वामी बन सकता है? अश्वलायन ने कहा, हाँ, मैंने ऐसा सुना है। यदि तुम्हारा चतुर्वर्ण्य एक आदर्श समाज है तो फिर यह पूरे संसार में क्यों नहीं है? इनमें से किसी भी एक बात को लेकर अश्वलायन अपने जातिवाद और समानता के पक्ष का समर्थन नहीं कर सका। उसे एकदम मौन ही रहना पड़ा। अंत में अश्वलायन बुद्ध का शिष्य हो गया। वासिष्ठ नाम के एक ब्राह्मण ने तथागत का धम्म ग्रहण कर लिया था। दूसरे ब्राह्मण इस धम्म परिवर्तन के लिए उसे गालियां देते थे। एक दिन वह भगवान बुद्ध के पास गया और उन्हें जाकर वह सब सुना दिया। ये दीग निकाय में है जो मैं पढ़ रहा हूँ। एक दिन वह भगवान बुद्ध के पास गया और उन्हें जाकर वह सब सुना दिया जो ब्राह्मण उसके बारे में कहते थे। वासिष्ठ ने कहा, भगवान, ब्राह्मण इस प्रकार कहते हैं कि ब्राह्मण का ही सामाजिक स्तर श्रेष्ठ है, बाकी सबका निम्न है। केवल ब्राह्मण ही सामाजिक श्रेणी में श्रेष्ठ होता है, दूसरे निम्न श्रेणी के होते हैं। केवल ब्राह्मण ही शुक्ल वर्ण का होता है, दूसरे कृष्ण वर्ण के होते हैं। केवल ब्राह्मण ही शुद्ध वंशोत्पन्न है, अब्राह्मण नहीं। केवल ब्राह्मण ही ब्रह्मा के औरस पुत्र हैं, उनके मुंह से उत्पन्न है, ब्रह्मा की संतान है, ब्रह्मा द्वारा रचे गए हैं, ब्रह्मा के उत्तराधिकारी हैं। जहाँ तक तुम्हारी बात है, ये भगवान बुद्ध कहते हैं, जहाँ तक तुम्हारी बात है, तुम अपने अभिजात वर्ग का त्याग करके उस नीचे वर्ग में सम्मिलित हो गए हो। अच्छा, ये उनको कह रहे हैं, वासिष्ठ को कह रहे हैं दूसरे ब्राह्मण, कि जहाँ तक तुम्हारी बात है, तुम अपने अभिजात वर्ग का त्याग करके उस नीचे वर्ग में सम्मिलित हो गए हो जिसमें निम्न वर्ग है। सिर मुंडे श्रमण हैं जो अभद्र हैं, कृष्ण वर्णी हैं अर्थात काले वर्ण के हैं बौद्ध भिक्खु, जो पैरों से उत्पन्न शूद्र हैं। तुम्हारे लिए यह रास्ता ठीक नहीं, यह रास्ता उचित नहीं। इस पर भी तुम अपने अभिजात वर्ग का त्याग करके उस नीच वर्ग में सम्मिलित हो गए हो। उन सिरमुंडों, उन गवारों, उन कृष्ण वर्ण के लोगों, उन शूद्रों के साथ जो हमारी जाति की जातियों से उत्पन्न वर्ण है, हमारी जाति की जातियों से उत्पन्न वर्ण है। भगवान इन शब्दों में ब्राह्मण मुझे दोष देते हैं, मेरी निंदा करते हैं, दिल खोलकर गाली देते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा, वासेठ, तो निश्चय से ब्राह्मण ऐसा कहते समय अपनी प्राचीन कहानी जनश्रुति को भूल गए हैं। इसके विपरीत दूसरे वर्णों की सभी स्त्रियों की तरह ब्राह्मणियां भी संतान उत्पन्न करती तथा उनका पालन पोषण करती हुई देखी जाती है। ऐसा होने पर भी माता को योनि से उत्पन्न वे ब्राह्मण ही कहते हैं कि ब्राह्मण ब्रह्मा के औरस पुत्र हैं, ब्रह्मा के मुंह से उत्पन्न हुए हैं
उसकी उत्पत्ति है तथा वे ब्राह्मण के उत्तराधिकारी हैं। एक बार एक येसुकारी ब्राह्मण 3 प्रश्नों को लेकर बुद्ध से शास्त्रार्थ करने गया। पहला प्रश्न जो उसने उठाया वह पेशों के स्थायी वर्गीकरण के बारे में था। वर्गीकरण के पक्ष में बोलते हुए उसने कहा, मैं आपसे एक प्रश्न पूछने आया हूँ। ब्राह्मणों का कहना है कि क्योंकि वे सर्वोपरि हैं इसलिए वे किसी की सेवा नहीं करेंगे, अन्य सभी उन्हीं की सेवा करने के लिए उत्पन्न हुए हैं। श्रवण गौतम, सेवा अर्थात पेशों के 4 विभाग किए गए। ब्राह्मणों द्वारा की जाने वाली सेवा, स्त्रियों क्षत्रियों द्वारा की जाने वाली सेवा, वैश्य द्वारा की जाने वाली सेवा तथा शूद्र द्वारा की जाने वाली सेवा। किंतु एक शूद्र की तो कोई दूसरा शूद्र ही सेवा कर सकता है, दूसरा कौन शूद्र की सेवा करेगा? श्रीमन गौतम, आपका इसके बारे में क्या मत है? भगवान ने एकुसारी येसुकारी ब्राह्मण से एक प्रति प्रश्न पूछकर उसके प्रश्न का उत्तर दिया। तथागत ने कहा, क्या सारा संसार ब्राह्मणों के इस वर्गीकरण के ही अनुसार है? जहां तक मेरी बात है, न मैं यही कहता हूं कि सभी सेवाएं अर्थात पेशे की ही जानी चाहिए, न यही कहता हूं कि सभी सेवाएं नहीं की जानी चाहिए। यदि किसी सेवा के करने से आदमी की स्थिति खराब होती है, अच्छी नहीं होती, तो वह सेवा नहीं की जानी चाहिए। किंतु यदि किसी के करने से आदमी की स्थिति खराब होने के बजाय बेहतर होती है, तो वह सेवा की जानी चाहिए। यही एक कसौटी है जिस पर क्षत्रिय ब्राह्मणों वैश्यों शूद्रों की सेवा के बारे में समान रूप से निर्णय किया जाना चाहिए। हर व्यक्ति की ऐसी सेवा करने से इनकार करना चाहिए जो उसकी स्थिति को खराब बनाती हो, किंतु हर व्यक्ति को ऐसी सेवा करनी चाहिए जो उसकी स्थिति को उत्पन्न बनाती हो। दूसरा प्रश्न येसुकारी ब्राह्मण ने उठाया, आदमी के स्तर को निश्चित करने के लिए उसकी वंश परंपरा का विचार क्यों नहीं किया जाना चाहिए? इस प्रश्न का तथागत ने इस प्रकार उत्तर दिया, जहाँ तक वंश परंपरा के गौरव की बात है, एक आदमी जिस वंश में जन्म ग्रहण करता है उससे उसका नामकरण मात्र होता है कि वह क्षत्रिय अथवा ब्राह्मण है अथवा वैश्य है अथवा शूद्र है। जिस प्रकार के ईंधन से आग उत्पन्न होती है उसी से उसका नामकरण हो जाता है। यह लकड़ी की आग है, यह चैली की आग है, यह लकड़ी की गांठ की आग है अथवा यह गोबर की आग है। इसी प्रकार आदमी के लिए सद्धम ही उसका वास्तविक धन है। जन्म तो केवल आदमी की 4 वर्णों में से किसी न किसी जाति को निर्धारित करता है। न वंश परंपरा से, न अच्छी शक्ल होने से अथवा धनी होने से ही कोई आदमी अच्छा या बुरा होता है। अच्छे वंश में उत्पन्न हुआ कोई आदमी भी हत्यारा पाया जाता है, चोर होता है, व्यभिचारी होता है, झूठा होता है, चुगलखोर होता है, कठोर बोलने वाला होता है, बेकार बोलने वाला होता है, लोभी होता है, द्वेषी होता है और मिथ्या दृष्टि वाला होता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि अच्छे वंश में उत्पन्न होने से ही कोई आदमी अच्छा नहीं होता। अच्छे वंश में उत्पन्न आदमी इन बुराइयों से मुक्त भी हो सकता है। इसलिए मैं यह कहता हूँ कि वंश परंपरा आदमी को बुरा नहीं बनाती है। येसुकारी ब्राह्मण ने जो तीसरा प्रश्न उठाया वह वर्ग के पेशे अथवा जीविका के साधन के संबंध में था। येसुकारी ब्राह्मण ने तथागत से कहा, ब्राह्मण 4 तरह के जीविका के साधनों का विधान करते हैं। 1 ब्राह्मणों के लिए भिक्षा, 2 क्षत्रियों के लिए तीर कमान सीखना, 3 वैश्यों के लिए व्यापार तथा पशुपालन और 4 शूद्रों के लिए बहंगी बहंगी पर दूसरों का धान ढोना। यदि इनमें से कोई अपना पेशा छोड़कर किसी दूसरे का पेशा करता है तो यह उसके लिए अच्छा नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे कोई अभिरक्षक ही किसी दूसरे की संपत्ति पर अधिकार कर ले। श्रमण गौतम का इस बारे में क्या मत है? देखिए, ब्राह्मणों का क्या मत था कि वह उनकी संपत्ति है, विद्या अर्जन करना, एडमिनिस्ट्रेशन चलाना उनकी संपत्ति है। ऐसी क्षत्रियों का मत था जब तक कि भारत के अंदर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा या फिर मौर्य काल के अंदर सम्राट अशोक द्वारा समानता नहीं लाई गई, और इस पूरे काल के बीच में और उससे पहले यह असमानता का जो क्रम था वह समाज में चल रहा था। इसमें ब्राह्मण समझते थे कि उनके कुछ अधिकार हैं, उनकी संपत्ति है, एजुकेशन पाना, शिक्षा पाना,
प्रशासन चलाना उनका संपत्ति मानी जाती थी। भगवान बुद्ध ने प्रश्न किया, क्या सारा संसार इस ब्राह्मणी वर्गीकरण के अनुरूप है? येसुकारी ब्राह्मण ने उत्तर दिया, नहीं। वासेठ ने तथागत से कहा, जो महत्वपूर्ण होना चाहिए वह उच्च आदर्श है, ऊंची जाति नहीं। जाति नहीं, असमानता नहीं, ऊंच नीच, ऊंच नहीं नीच नहीं, सभी बराबर है, यही तथागत की देशना थी। दूसरे के साथ अपने आप को एक कर दो, यही सोचो, जैसे वे हैं वैसा मैं हूँ, जैसा मैं हूँ वैसे वे हैं, भगवान बुद्ध ने कहा। आगे पढ़ते हैं, दो, धम्म तभी सद्धम है जब वह यह शिक्षा दे कि किसी आदमी का जन्म से नहीं बल्कि उसके गुणों से ही मूल्यांकन किया जाना चाहिए। क्या कहते हैं? जन्म धम्म तभी सद्धम है जब वह शिक्षा दे कि आदमी का जन्म से नहीं, कि किसी जाति में, किसी धर्म में पैदा हुआ है, किसी देश में पैदा हुआ है इससे नहीं, या अमीर या गरीब घर में पैदा हुआ इससे नहीं, बल्कि उसके गुणों से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। ब्राह्मण जिस चतुर्वर्ण्य का उपदेश देते थे उसका आधार जन्म था। एक आदमी ब्राह्मण है क्योंकि उसका जन्म ब्राह्मण माता पिता से हुआ। जो क्षत्रिय माता पिता से पैदा हुआ है वह क्षत्रिय है, जो वैश्य माता पिता से पैदा हुआ है वह वैश्य है, और जो शूद्र माता पिता से पैदा हुआ है वह शूद्र है। ब्राह्मणों के अनुसार आदमी की हैसियत उसके अपने जन्म पर आधारित है और अन्य किसी चीज पर नहीं। जन्माश्रित ऊंच नीच का यह सिद्धांत तथागत को उतना ही अरुचिकर था जितना चतुर्वर्ण्य का सिद्धांत। भगवान बुद्ध का सिद्धांत ब्राह्मणों के सिद्धांत के सर्वथा विपरीत था। उनका सिद्धांत था कि किसी आदमी के महत्व का मूल्यांकन जन्म से नहीं बल्कि उसके गुणों से ही किया जाना चाहिए। जिस अवसर पर भगवान बुद्ध ने अपने इस सिद्धांत का उपदेश दिया उस अवसर की अपनी विशिष्टता है। एक समय भगवान बुद्ध अनाथ पिंडिक के जेतवनाराम में ठहरे हुए थे। एक दिन पूर्वाह्न में उन्होंने अपना भिक्षा पात्र लिया और भिक्षार्थ सावथी में प्रवेश किया। उस समय यज्ञाग्नि प्रज्वलित थी और यज्ञ की तैयारी चल रही थी। सावथी में घर घर भिक्षाटन करते भगवान बुद्ध उस अज्ञिक ब्राह्मण के घर पहुंचे। तथागत को दूर से आता देख कर ब्राह्मण क्रोधित हो उठा और बोला, मुंडक वहीं रह, तुच्छ श्रमण वहीं रह, वृषल वहीं रह। वृषल अर्थात शूद्र, जो पैरों से पैदा हुआ होता है शूद्र उसे बोलते हैं। जब ब्राह्मण ने इस प्रकार, देखिए ये वृषल कह रहे हैं भगवान बुद्ध को। बहुत से लोग कहते हैं कि भगवान बुद्ध क्षत्रिय थे, क्षत्रिय नहीं थे, वे भारत के मूल निवासी थे और वे शूद्र थे, ब्राह्मणों के साथ शूद्र थे लेकिन भारत के मूल निवासी थे, क्षत्रिय वर्ण के नहीं थे। जब ब्राह्मण ने इस प्रकार बोला तो तथागत ने उसे संबोधित करते हुए पूछा, हे ब्राह्मण, क्या तू जानता है कि वृषल अर्थात अछूत, यहाँ पे इन्होंने अछूत बोला है वृषल को, वृषल कौन होता है, अथवा कौन से कर्म आदमी को वृषल बनाते हैं? नहीं श्रवण गौतम, मैं नहीं जानता कि वृषल कौन होता है, ना यह ही जानता हूँ कि कौन से कर्म आदमी को वृषल बनाते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा, यदि तुम यह जान लोगे कि वृषल कौन होता है तो इससे तुम्हारी कुछ हानि नहीं होगी। अच्छा, जब आप हठ करते हैं कि मैं जान लूँ तो बताइए, ब्राह्मण अज्ञिक बोला। ब्राह्मण जब राजी हो गया तो तथागत ने कहा, जो आदमी क्रोधी हो, द्वेष रखता हो, अनैतिक हो, पर निंदा करने वाला हो, मिथ्या दृष्टि हो और वंचक हो, तो जान लो कि वह वृषल है। जो भी व्यक्ति इस संसार में प्राणियों को हानि पहुंचाता है, चाहे वे एकज हो अथवा द्विज, जिसके मन में प्राणियों के प्रति दया नहीं है, जो जान लो तो जान लो कि वह वृषल है। जो भी कोई ग्रामों और झोपड़ियों को नष्ट करता है और घर और घेर लेता है, जो अत्याचारी है, तो जान लो कि वह वृषल है। चाहे गांव में अथवा जंगल में जो भी किसी दूसरे की चीज को छीनता है अर्थात चुराता है, तो जान लो कि वह वृषल है। जो कोई भी किसी का ऋण लेकर बिना लौटाए भाग जाता है, जब जोर देकर मांगने पर कहता है मुझे तुम्हारा कोई ऋण नहीं देना है, तो जान लो कि वह वृषल है। जो कोई भी किसी वस्तु की कामना से सड़क पर अकेले चलते हुए आदमी को मार डालता है और लूट लेता है, तो जान लो कि वह वृषल है। जो कोई भी अपने हित में अथवा किसी दूसरे के हित में अथवा धन के लिए गवाही देने के लिए कहने पर झूठी गवाही देता है, तो जान लो कि वह
वृषिल है, जो भी कोई जबरदस्ती या सहमति से अपने मित्रों या संबंधियों की पत्नियों के साथ अनुचर के साथ अनाचार करता है, तो जान लो कि वह वृषिल है। जो कोई भी धनवान होने पर भी यौवनावस्था को पीछे छोड़ चुके वृद्ध माता पिता का पालन पोषण नहीं करता, तो जान लो कि वह वृषिल है। जो कोई भी कुशल धम पूछे जाने पर अकुशल धम की शिक्षा देता है और रहस्य बनाकर शिक्षा देता है, तो जान लो कि वह वृषिल है। जन्म से कोई वृषिल अर्थात अछूत या कहीं शूद्र नहीं होता है, और जन्म से कोई वृषिल नहीं होता और जन्म से कोई शूद्र नहीं होता। वृषिल तो अछूत कहेंगे यहाँ पे, जन्म से कोई अछूत और शूद्र नहीं होता है। यह सुनकर अज्ञ ब्राह्मण तथागत को बुरा भला कहने पर बहुत लज्जित हुआ। धम तभी सद्धम है जब वह आदमी और आदमी के बीच समानता को बढ़ावा देता है। आदमी असमान ही जन्म लेते हैं, कुछ हष्टपुष्ट होते हैं, कुछ कमजोर होते हैं, कुछ अधिक बुद्धिमान होते हैं, कुछ कम बुद्धिमान, अथवा कुछ बिल्कुल बुद्धिमान नहीं होते, कुछ अधिक सामर्थ्यवान होते हैं, कुछ कम सामर्थ्यवान होते हैं, कुछ धनी होते हैं, कुछ गरीब होते हैं। सभी को अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ता है। इस अस्तित्व के संघर्ष में देखिए सर्वाइवल की बात करते हैं, सर्वाइवल फॉर एग्जिस्टेंस, तब भगवान बुद्ध कर रहे थे बात जो बाद में चार्ल्स डार्विन ने कही। इस अस्तित्व के संघर्ष में यदि असमानता को स्वाभाविक स्थिति स्वीकार कर लिया जाए, तो सबसे कमजोर का तो कहीं ठिकाना ही नहीं रहेगा। जैसे कहते हैं कि माइनॉरिटी हो, किसी कंट्री में माइनॉरिटी को दबा दो तो माइनॉरिटी क्या रहेगी? अगर हर चीज़ आप मेजोरिटी के हिसाब से चलोगे तो काहे की माइनॉरिटी बेचारी क्या करेगी? क्या यह असमानता का नियम, जीवन का नियम बन जाना चाहिए? मान लीजिए एक दिन लोग सोच ले कि केवल जिनके चश्मे नहीं लगे हुए वही लोग जो है कक्षा के अंदर जाके पढ़ाने योग्य हो। जो हमारे एक अध्यापक हैं मिस्टर शौरी, उन्होंने बताया, क्या यह असमानता का नियम जीवन का नियम बन जाना चाहिए? कुछ लोग इस आधार पर हाँ में उत्तर देते हैं कि जो जीवन संघर्ष में टिकने के लिए अधिक योग्य हो वही टिका रहेगा। प्रश्न यह है कि जो आदमी जीवन संघर्ष में टिके रहने के लिए योग्यतम है, क्या वही आदमी श्रेष्ठतम है? बहुत महत्वपूर्ण है कि जो योग्यतम है टिके रहने के लिए, क्या श्रेष्ठतम वही है? समाज के लिए वही श्रेष्ठ है जो टिक रहा है? कोई भी इसका स्पष्ट उत्तर नहीं दे सकता। इसी संदेह के कारण धम समानता का उपदेश देता है, क्योंकि समानता श्रेष्ठतम व्यक्ति के जीवित रहने में सहायक हो सकती है, चाहे वह व्यक्ति योग्यतम न हो। समाज को श्रेष्ठतम आदमी चाहिए, योग्यतम नहीं। नोट कर लीजिए इसे, जैसे पहले मैंने कई जगह को कहता हूँ कि एक पंक्ति इसको भी नोट कर लीजिए, भगवान बुद्ध के सीधा मुख से आ रहा है, समाज को श्रेष्ठतम व्यक्ति चाहिए, योग्यतम नहीं। मेरिटोरियस मेरिट वाला इंसान नहीं चाहिए समाज को, श्रेष्ठ चाहिए, सोशल चाहिए, समाज का भला करने वाला चाहिए। खाली मेरिट वाला, इंटेलिजेंट, डिग्री प्राप्त करने वाला नहीं चाहिए। इसलिए यही प्राथमिक कारण है जिसके कारण धम समानता का समर्थक है। भगवान बुद्ध का यही दृष्टिकोण था और इसलिए उनका यह तर्क था कि जो धम समानता का समर्थक नहीं है वह अपनाने योग्य नहीं है। क्या आप किसी ऐसे धर्म का आदर कर सकते हैं या उसमें विश्वास कर सकते हैं जो ऐसे कर्म की सिफारिश करता है जो दूसरों को दुखी बनाकर स्वयं सुखी बनने की शिक्षा देता हो, अथवा अपने को दुखी बनाकर दूसरे को सुखी बनाने की शिक्षा देता हो, अथवा अपने को और दूसरों को दोनों को दुखी बनाने की शिक्षा देता हो? क्या वह धर्म अधिक श्रेष्ठतर नहीं है जो अपने सुख के साथ साथ दूसरों के सुख में वृद्धि करता है और किसी प्रकार के अत्याचार को सहन नहीं करता? ये कुछ प्रश्न सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे जिन्हें भगवान बुद्ध ने उन ब्राह्मणों से पूछा जो समानता के विरोधी थे। भगवान बुद्ध का धर्म एक न्याय संगत धर्म है जो आदमी अपनी पुण्यप्रद मनोवृत्ति में से उत्पन्न होता है। यह हमारा भाग 3 समाप्त हुआ, चौथा खंड 3 समाप्त हुआ, चौथा खंड शुरू होगा, धर्म और धम में अंतर।
जैसे हम 31वें भाग में शुरू करते हैं, इसके साथ यह भाग यहीं समाप्त करता हूँ। भाग 30 बार से चल रहा था यह। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।